हाय दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं मेरा शक्ल को, मेरा फेस को देख करके आप सब जान ही रहे होंगे कि हम कितना परेशान थे। मेरा लाली को आज जो है खाना ले गया था, और किस वो एक भैया मेरे, हम हेलमेट पहने हुए थे, उसके बाद एक भैया थे जो कि वो हेलमेट नहीं पहने हुए थे, पीछे में थे, तो उसी के चलते हम लोगों को जो है आज पुलिस ने पकड़ लिया था। तो गाइस, आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी साक्षी बिष्टुपुर आए तो हेलमेट, मास्क और डबल सवारी पे आते हैं तो आप लोग कृपा करके आप डबल हेलमेट का प्रयोग करें। अभी फिलहाल हम हेलमेट नहीं पहने हैं, तो कंटिन्यू मेरे बने रहें आज के इस ब्लॉग पे। जैसे कि दोस्तों आप सब देख पा रहे हैं, हम बहुत ही परेशान थे, क्या नहीं क्या कर गए हम, और दोबारा ऐसे गलती नहीं करेंगे बोल के हम परेशान हो गए थे, इसको उसको फ़ोन कर रहे थे। आज हम सोच रहे थे सबसे जमशेदपुर का, सब झारखंड का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जो कि है बिग बाजार, उसका ब्लॉग बनाने के लिए हम आ रहे थे। तो रास्ता में जो है कि चेक इन वगैरह चल रहा था, तो उसके लिए हम लोग जो है मास्क, ऑलरेडी हमने मास्क पहन रखा था और हेलमेट भी पहना हुआ था, तो भैया जो पीछे में मेरे बैठे हुए थे वो पहने हुए नहीं थे हेलमेट, तो उसके कारण आज इसका परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आप लोग भी जब कभी आइए तो पीछे में जो भी बैठते हैं उनको भी हेलमेट चाहिए, प्लस आप भी हेलमेट पहन के ही आए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, वो लोग थोड़ा बनाने जा रहे थे तो रास्ते में चेक इन वगैरह चल रहा था, और पीछे में जो बैठे हैं वो हेलमेट नहीं पहने थे, और उसी के चलते हम लोगों को जो है पुलिस पकड़ लिया था, और पुलिस पकड़ने के बाद हम लोगों को थाना जाना पड़ा। थाना जाने के बाद तो गाइस हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए ब्लॉगिंग, तो आप लोग भी जब कभी आइए तो अभी जमशेदपुर में जो है कि डबल हेलमेट, अगर दो सवारी अगर आप लोग चल रहे हैं तो डबल हेलमेट का प्रयोग करें, और जैसे कि आज हमने खेला है उस तरह आप लोग भी नया खेलें, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो